थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर M.S. अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। अब BA, B.Com, B.Sc और MA, M.Com करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। भारतीय जनता युवा मोर्चा बैरिया विधानसभा की बैठक GIC मेमोरियल स्कूल चकिया में संपन्न हुई, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में पुरुषार्थ सिंह जी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने बताया कि प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार 340 सीटों से बनने जा रही है और आगामी 10 मार्च को पुनः योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता घर घर जाकर योगी सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे और पुनः भाजपा सरकार बनाने की अपील करेंगे। युवा मोर्चा प्रत्येक ग्राम सभा में युवा चौपाल कराने जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह अप्पू जी और सूरज राय जी, क्षेत्रीय मंत्री मयंक शेखर तिवारी जी, जिलाध्यक्ष अश्वनी सिंह लिटल जी, जिला महामंत्री प्रशांत श्रीवास्तव जी, जिला उपाध्यक्ष अभिषेक नारायण सूरज जी, जिला मंत्री निखिल पांडे जी, जिला कार्य समिति सदस्य राघवेंद्र सिंह जी, बैरिया मंडल अध्यक्ष अमन पांडे जी, सुरेमनपुर मंडल अध्यक्ष राहुल सिंह जी और मंडल पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अभिषेक सिंह और आभार व्यक्त कुंवर पुड़ेंद्रो सिंह जी ने किया।